दिल चीर के दे तेरा ही नाम होगा। खाओ माँ का कसम। खाओ माँ का कसम। क्या हाल है भाई लोगों? तो भाई लोगों, आज का वीडियो थोड़ा हटके है, तो छोटे बच्चों को उनके घर भेजते हैं और वीडियो की शुरुआत करते हैं। अबे बहुत वापस जाते हैं। पहली बात तो यहाँ से नहीं निकलते हैं, ठीक है? पिछवाड़े से कौन सा बच्चा पैदा होता है? तो भाई लोगों, शादी का सीजन है और शादी में फूफा के अलावा एक और बंदा दुखी होता है। ये क्या बता दिया उसे? हाँ तो भाई लोगों, ये है सरवाला जो दूल्हे के साथ होता है, और साला ये सरवाला कम और रावण की औलाद ज्यादा लग रहा है। नहीं सच में भाई, आज रावण जिंदा होता ना तो ऐसी औलाद देख के अपनी नाभि में खुद ही तीर मार लेता। और भाई लोगों, शादी का नाम आते ही सिंगल लोंडो के दिमाग में बस एक ही बात होता है। और भाई वैसे भी जब तक शादी में जीजा साली रात काली ना होना तो शादी शादी नहीं होती। इस नर को एक मादा की तलाश है। जिन पंखों को ये इतना फैला रहा है वो खास तौर पर प्रजनन के लिए हो गए। लेकिन चुपड़ू, तुझे इतनी सुंदर बीवी मिल गई, यही बहुत अच्छा बड़ी बात है। ओहो, बताओ, देख रहे हो इस गरीबों के कबीर सिंह को? भाई चश्मा नहीं निकाल रहा है। अरे भाई, हमें भी पता है तू बहुत मलूक है, पर भाई कम से कम 3D ग्लास तो निकाल दे कबीर सिंह के मौसा। और भाई आजकल के बच्चों को हो क्या गया है? रील बनाने के चक्कर में ये रोड पे ही कबू चीट कबू पट करने लगे हैं। कबू चीट कबू पट सैया मारे सट्टा शॉट। उधर से एक आध ऑटो अगर ऊपर से निकल गया ना तो दीदी तुम्हारा पापड़ घर वाले सोचते होंगे बच्ची पढ़ने गई है, और इसको देखो रोड में गड्ढा खोद रही है। अब तुम ही बताओ ऐसे बच्चों का करें क्या? नहीं सच में भाई, कोई रोड में गड्ढा खोद रहा है तो कोई चलती हुई साइकिल में। पुलिस वाले होने चाहिए बस। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरिराम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। बताओ साला, जिंदगी हो तो ऐसी। तुम ही बताओ ये स्कूल जा रहे हैं या गन्ने के खेत में? साला एक हमारा टाइम था जब हमारे टीचर खाली टाइम पे चाय का बर्तन धुलाया करते थे। कैमरामैन जल्दी फोकस करो। हे आज भी वही हो रहा। हे प्रभु, हे हरिराम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। ये क्या हुआ? गला में पानी आ गया, गमछा भी खुल गया मेरा। हाँ भाई लोगों, ये करते थे हम अपने स्कूल टाइम पे। आपने भी जरूर किया होगा, खासकर होम साइंस लेने वालों ने। तो कमेंट करो यार जिन्होंने ये सब किया है। और वहीं आज के बच्चों को देखो, बर्तन धोने की तो बहुत दूर की बात है, ये तो क्लास में ही अपनी बंदी की गोदी में नींद पूरी कर लेते हैं। वाह, हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरिराम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। वाह मैडम जी वाह, मारने की बजाय आप मजे से देख रही हो। नहीं सच में भाई, इतनी देर में तो हमारी मैडम हमें मार मार के भूत बना देती। उसी का जूता निकाल कर उसे सूद देती। सो अलग। और इस मैडम को देखो। वाह वाह वाह, कलम वाली भाई वाह। भाई भूत से याद आया, भूत प्रेत और मौत कहीं से भी आ सकती है। गाइस 150 अब तो हो ही गया है। अरे चाचा ऐसे दाए तरफ आ रहे हो मादर। हाँ भाई पता चल गया चाचा दाए तरफ क्यों आ रहे थे। हाँ। नहीं और बोलो 150 पहुंच गया, वो तो अच्छा हुआ चाचा राइट साइड मुड़ गए, नहीं तो तुम सीधा यमराज को ही दर्शन देते। और भाई इतना कुछ होने के बाद भी कुछ राइडर ऐसे होते हैं जो चलती हुई साइकिल रोक के मौत को टक्कर देते हैं। तू रोकेगा मेरे को तू रोकेगा। हाँ भाई उठ गया पीछे का पहिया, मतलब भाई इतना फ्री है कि मौत के साथ खेल रहा है। और भाई ये अकेला नहीं है जो मौत को छू के टक से वापस आया, ऐसे बहुत से नमूने हैं, एक ढूंढो चार मिलेंगे। अब इसी को ही देख लो। आना पड़ेगा हमारे आपके आगे आने के बाद ही।
अरे भाई 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 क्या हुआ भाई भाई भाई। हाँ, आज की वीडियो देखने के बाद परियां बहुत खुश हो रही होंगी, वो भी ये सोच रही होंगी चलो कोई तो मिला हमारे जैसा। और हाँ भाई लोगों, शादी विवाह करने से पहले पेट भर के खा लो, क्या पता शादी के बाद खाना मिले या ना मिले। कैमरामैन जल्दी फोकस करो। हे हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरिनाम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंदी। घबराओ नहीं, ये फूड ब्लॉगर नहीं है, दूल्हा है। शादी करने से पहले आखिरी बार पेट भर के खा रहा है क्योंकि उसको भी पता है शादी के बाद खाना मिले या ना मिले, इसलिए पहले ही खा लूं, शादी तो होती रहेगी। तो बस भाई लोगों, आज की